नमस्कार, मैं हूं अनुभव शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। खास बात के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूपी में चुनावी दंगल जारी है। सभी सियासी पार्टियां इस दंगल को जीतने में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। कोई अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटा है तो कोई बहुसंख्यकों को। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय इन चुनावों को लेकर क्या सोचता है, आज खास बात ने हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम इन्हीं सारी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद कलवे जवाहर साहब। जवाहर साहब, खास बात में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, इन चुनाव से क्या सोचते हैं, किस तरीके की सरकार आए? देखिए, अब तक तो यही हुआ है कि मुसलमानों के साथ धोखा किया गया और के जरिए से वोट लिए गए और हुकूमत में पार्टियाँ पहुँची, लेकिन बाद में जितने भी वादे किए थे वो सब उन्होंने भुला दिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, या चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। तो ज़्यादातर उन्होंने यही किया कि सारे वादे उन्होंने भुला दिए, सारा मैनिफेस्टो अपना था वो ताक पर रख दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ज़ाहिर 55 साल तकरीबन उसकी हुकूमत रही, तो सबसे ज़्यादा धोखा तो कांग्रेस ही ने दिया मुसलमानों को। उर्दू ज़बान जो है वो जानबूझ के उसको ख़त्म किया, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान से उर्दू ज़बान ख़त्म हो गई है। इसी तरह से जिस वक्त आज़ादी हुई उस वक्त तकरीबन 35% मुसलमान गवर्नमेंट नौकरियों में थे, अब 1% भी नहीं रहे। ये सब उन्हीं के ज़माने में हुआ। इसी तरह से आप देखेंगे तजारत में और उसमें भी सब मुसलमान बिल्कुल पीछे हो गए, पढ़ाई में बिल्कुल पीछे हो गए। यहाँ तक जब सच्चर कमेटी ने बनाई तो सच्चर जस्टिस सच्चर साहब जो थे उन्होंने पूरा उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत की, उन्होंने मेहनत से और बहुत ही उन्हें लगन से उसको काम किया और आखिर उन्होंने फैसला किया कि मुसलमान जो है वो दलितों से नीचे आ चुका है पढ़ाई में और इसमें नौकरियों में और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो दलितों से नीचे आ चुका है। तो अब सवाल, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यही सियासी पार्टियाँ इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इन्हीं ने सिर्फ मुसलमानों को धोखा, बल्कि अब तो समझते हैं कि देने के बजाय जो था वो भी छीन लिया। 341 का जो आर्टिकल है वो कितना नाइंसाफ़ी पर है। देखिए आप कि कोई भी दलित अगर मुसलमान हो जाएगा तो सारी फैसिलिटीज़ की छीन ली जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी। और उसके लिए बहाना ही किया गया कि मुसलमानों में कोई ज़ात पात नहीं है। तो चलिए ठीक है, ज़ात पात नहीं है लेकिन गरीबी तो है, गरीबी तो है। तो गरीबी की बुनियाद पर अभी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन कह चुका है कि ज़ात, तो आखिर वजह क्या है कि कमेटी ने रिपोर्ट दे दी पर वो रिपोर्ट सच्चर कमेटी की लागू क्यों नहीं? वो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा देने के लिए उन्होंने किया। बल्कि हम तो समझते हैं, जैसे हमने एक बात कही थी कि कांग्रेस ने इसलिए नहीं बनाई थी कमेटी कि वो कुछ दे, बल्कि इसलिए बनाई थी कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी कि मुसलमान दलित के नीचे आ जाए, वो प्लानिंग कामयाब हुई कि नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि मुसलमानों की सच्ची हितैषी वो है, हिमायती वो है। वो हिमायती ये है कि पहले गला काटती है फिर कटे हुए गले में मरहम रखते हैं, ये हिमायत है उनकी। और इस बार यूपी में जो चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी को ये साथ पसंद है राहुल गांधी के साथ। वो खुद कह रहे हैं, मगर यूपी वालों को पसंद है या नहीं कि तो 11 को पता ही चल जाएगा कि ये साथ पसंद है कि नहीं पसंद है। मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, पूरे देश की बात करें, यूपी की बात करें, असल वजह क्या मानते हैं? क्या वाकई पार्टियों ने हमेशा धोखा किया या फिर कुछ ऐसा उनके बीच भी हुआ कि वो खुद आगे नहीं बढ़ पाए? नहीं, देखिए पढ़ाई लिखाई में जो है उनके साथ भेदभाव बढ़ता गया। और आप देखिए जो बड़े बड़े कॉलेज हैं इतनी महंगी उनकी पढ़ाई है। एक इंजीनियर अगर बनना चाहता है तो उसके लिए लाखों करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एक डॉक्टर बनना चाहता है तो मानो 50 लाख रुपए देना पड़ते हैं, 50 लाख रुपए देना पड़ते हैं, तब कहीं जाके BBS में दाखिला होता है। तो मुसलमान कहाँ से लेकर आए? इसीलिए आपने देखा कि अच्छी पढ़ाई में मुसलमान पीछे रह गए। छोटे छोटे कारोबार उनको लेना पड़े क्योंकि नौकरियों में उनके साथ भेदभाव होता है, अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती उनको, अच्छी जगहें नहीं मिलती, जो टॉप की पोस्ट है वो नहीं मिलती। लिहाजा वो छोटी छोटी जो तजारतें उसमें आ गया, छोटे छोटे कामों में आ गया, ठेला लगाए हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें किए हुए, पान की दुकान, तो उसे कैसे तरक्की करे वह आगे, कैसे आगे बढ़े? जो बाप है वैसे भी बच्चा भी बन जाता है, वही बेटा बन जाता है, वैसी औलादें बन जाती हैं। बाप पास इतना पैसा नहीं है कि उनको अच्छी तालीम दे सके, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उनके बड़े इतने महंगे स्कूल हैं, कुछ नहीं सब। देखिए माफिया हर तरह के, ये एजुकेशन माफियाज भी हैं, एजुकेशन माफिया। मैंने इस पर कई मरतबा कहा लेकिन कोई अमल नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर मिले होते हैं। आज हर साल कोर्स बदल जाता है। बचपने में जब मैंने पढ़ा था तो जो हमारे चचा का जो कोर्स था वो हमने पढ़ा था, उसको लेके पढ़ा, यानी 5-6 साल तक वो कोर्स चलता था। अब हर साल बदल देते हैं और उसके बाद हर बार जो छोटा बड़े भाई का कोर्स छोटा भाई नहीं पढ़ सकता क्योंकि कोर्स बदल चुका होता है।
ताकि वो फिर ख़रीदें सबके सब, और महंगी महंगी किताबें 500-500 रुपये की, 1000-1000 रुपये की किताब है। तो ये भी एजुकेशन माफियात हैं जिसमें गवर्नमेंट मिली रहती है, गवर्नमेंट के अफसर मिले रहते हैं, इसकी वजह से पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। सर एक सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या मुसलमानों को केवल और केवल सियासी पार्टियाँ वोट बैंक के रूप में देखती हैं और जब चुनाव आता है तभी उनकी याद आती है? अब तक तो देखिए यही हुआ है, अब तक जो हुआ प्रेजेंट सिचुएशन ये तो यही हुई है। देखिए सामने मिसाल हमारी सपा है कि इन्हीं ने मैनिफेस्टो में कितने वादे किए, एक वादा मुसलमानों से इन्होंने पूरा नहीं किया। 18% कहा था हम देंगे आपको रिजर्वेशन, 1% भी नहीं दिया। जितने भी इन्होंने नौकरियाँ दी सब यादव लोगों को दी, 90% यादव लोग। पहले आते ही 80 उन्हीं ने ADM बनाए, 100 ADM बनाए, उसमें 80 यादव थे, 80 यादव ADM, उसमें बड़ा हंगामा जमाने में मचा था, शुरू शुरू में सब पेपर में भी मीडिया में भी आया था कि 80 यादव, उसके अलावा भी 45,000 नौकरियाँ निकली थी पुलिस कर्मियों की, उसमें भी 90% यादव, और वो भी किधर गए, सब एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, सब उधर के यादव। लखनऊ की इतनी बड़ी आबादी है, इसमें से 7 लोगों को नौकरी मिली और 7 यादव थे। तो उन्होंने भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ख़राबियाँ पैदा हो गई, और कमीशन खोरी बेनतहा इनके यहाँ बढ़ गई। वे कमीशन खोरी सब प्रोजेक्ट जो हैं वो सब जमा, देखिए यहाँ वो जो बिजली घर खुद यहाँ UP के वो बंद पड़े हुए हैं और बाहर से बिजली खरीदी जा रही है। अरे इसको चलाओ तुम, कोई ख़राबी है तो उसको दूर करो उसको। तो यानी यूपी को ये साथ क्या पसंद नहीं आएगा, मुसलमानों को ये साथ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी नहीं, नहीं, नहीं देखिए मुसलमान कांग्रेस से भी नाराज़ है और सपा से भी, इधर अखिलेश यादव के जो अंडर में आई सपा, तो इससे मुसलमान दूर हो गया। यानी मुलायम सिंह यादव जब तक थे तब तक मुसलमानों के तहत नहीं, उनके साथ इतनी दूरी नहीं थी, काफ़ी काम किए मुसलमानों के लिए, लेकिन अखिलेश के आने के बाद ये मुसलमान इससे बहुत दूर हो गए। इन्होंने क्योंकि मुसलमानों के साथ विश्वासघात भी किया, मुसलमानों को धोखा भी दिया, हर जगह मुसलमानों को मारा ही नहीं, जहाँ छोटा सा भी अगर प्रोटेस्ट होता है तो ये फिर लाठियाँ, और पुलिस वाले कहते हैं कि अब दोस्त सोचो कि मुसलमान पर लाठी नहीं पड़ेगी समाजवादी, अब पीटेंगे हम तुम्हें मारेंगे। अब हमें देखिए CBI जाँच के सिलसिले में हमने प्रोटेस्ट किया था, जो वो रमज़ान का ज़माना था, कि CBI जाँच हो भाई, हमारी कौन सी बुरी हमारी डिमांड थी, कौन सी हमारी डिमांड जो थी वो कानून के ख़िलाफ़ थी, हमारी डिमांड ये थी कि CBI जाँच हो। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं होगी तो फिर हमने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, बिल्कुल पीसफुल मार्च था, और जब वो यहाँ पर शहीद स्मारक के पास पहुँचा तो चारों तरफ से घेर के उस पर लाठियाँ बरसा दी, कुछ नहीं कर रहे थे, न एक ढेला भी किसी ने नहीं मारा था, क्योंकि उसके पूरे वीडियो मौजूद हैं, उस पर मारना शुरू कर दिया, जिसमें एक प्रोटेस्ट करने वाला मर भी गया, मौलानाओं को मारा, आज तक नहीं हुआ कभी मौलानाओं को मारा गया। और दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? और कोई खिलाफ किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आप देखिए अमरीका में कुरान मजीद जलाया गया था, तो इधर आजमगढ़ साइड में कुछ नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें गोली चला दी, उनके 7 जवान मर गए, और उनकी क्या खता थी भाई, वो तो कुरान अमेरिका में जाता, अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तुम्हारे खिलाफ कर भी नहीं रहे थे। सर सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं भाषण देते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास का उनका फॉर्मूला है, उसी के तहत वो डेवलप कर रहे हैं, कंट्री डेवलप कर रहे हैं, देश को डेवलप कर रहे हैं, और यूपी को भी डेवलप करने की बात वो कह रहे हैं, क्या उनकी बात से मुसलमान इत्तेफाक रखता है? नहीं देखिए मुसलमान शुरू में तो इन्होंने जब सबका साथ सबका विकास कहा तो उसके हमने भी उसको इस्तेमाल किया, आपने उनकी तारीफ भी की थी। तारीफ की थी भाई, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जबकि उन्होंने ये भी जुमले कहे थे कि मुसलमानों को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे करीब आए तो हमसे मोहब्बत करेंगे, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की थी, हमारा बयान मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा उन्होंने अपने जो बातें कही तो उससे अलग हटने लगे, खासतौर से उनके जो छोटे भैया लीडर थे वो ऐसे ख़राब बयान देने लगे, इसकी वजह से मुसलमानों पर बड़ा भय छा गया कि भैया अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर, तो उससे बड़ी ख़राबियाँ पैदा हुई। उसके बाद शमशान और कब्रिस्तान और तमाम चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी, तो अब उनका अमित शाह साहब ने कहा कि हम दूध की नहरें बहा देंगे, तो लोगों ने कहा भाई गुजरात में अभी तक बही नहीं दूध की नहरें, वहाँ अगर बताएँ तो हम लोग दूध पीने वहीं आ जाए तो उसके बाद इस तरह के वादे, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से ज़रा घबराहट पैदा हो गई मुसलमानों में कि भाई ये हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करेंगे। अच्छा नोटबंदी के बाद भी बहरहाल हमने उसकी इस तरह से सवाल किया था कि भाई बड़े लोग जो है मोदी जी की उनके ऊपर, हाँ उनके ऊपर रोक लगेगी, लेकिन हो नहीं पाया, वो पूरी तरह से रोक हो नहीं पाई, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई उसी तरह से फिर वो चोरबाजारी हो रही है, उसी तरह से फिर वही जमाखोरी हो रही, तमाम चीज़ें जो पहले होती थी वो अब भी हो रही हैं, तो इसका मतलब उसका कोई फ़ायदा हो नहीं सका, पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुंच सका। 150 लोग मर ज़रूर गए,
लेकिन पब्लिक को जैसा फ़ायदा होना चाहिए, जैसे हमें उम्मीद थी कि पब्लिक को फ़ायदा पहुंचेगा, वैसा फ़ायदा पहुंच नहीं पाया। इस बार के चुनाव में क्या मुसलमान, जिसको केवल वोट बैंक समझा जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टियों को सबक सिखाएगा? हम तो समझते हैं, हाँ, थोड़ा सा वोट डिवाइड हो गया है मुसलमानों का, जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन हम तो समझते हैं ज़्यादा वोट जो मुसलमानों को गया वो BSP को गया है। BSP को ज़्यादा गया है, क्योंकि उनके ज़माने में ख़ास बात यह रहती कि दंगे नहीं होते। 500 दंगे इन के ज़माने में हुए, सपा के ज़माने में एक साल के अंदर ही 200 दंगे हो गए थे, और जिसमें मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती की वहाँ पर, और वहाँ के ऊपर कैंपों के ऊपर बुलडोजर चला दिए धीरे, और वहाँ कहा कि साहब ये BJP के एजेंट हैं। अरे ये छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ मर रहे हैं भूख से, वो BJP के एजेंट हैं। अब कोई भी किसी पार्टी के एजेंट आपके आएगा, आप सिर्फ प्लास्टिक की पन्नी, हम खुद गए थे वहाँ, हम जाकर देख के आए कि प्लास्टिक की पन्नी का वो था पूरा, वो घर ऐसा बना हुआ, खेमा ऐसा बना हुआ, उसके अंदर औरतें बच्चे नन्हे नन्हे रहे, कि BJP के एजेंट होंगे जो इस तरह से रहेंगे, अपने बच्चों को जान दे देंगे। मुसलमान थे वो, जिन्हें उसको बुलडोजर चलाया गया, BJP के एजेंट है। चलिए फिलहाल खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलवे जवाब साहब से ये जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने इन चुनाव में BSP को समर्थन देने की बात कही, और उसके बाद उन पर आरोप लगे कि शायद उनकी BSP से कुछ डील भी हुई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का।